भाई इतने पहले ज्वाइन कर लिए। वन भाई हेलो।
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन. एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए क्लास के लिए स्टार्ट हो गई है ताकि सभी बच्चे आ पाए. गुड इवनिंग शानू बेटा. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग तनिषा. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. किसी को कल तक की क्लास में कोई डाउट है? नो सर. वेरी गुड. गुड इवनिंग वंस अगेन ईच एंड एवरी वन. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. ईच एंड एवरी वन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व इट माय डियर. सॉल्व इट. Each and every one, yes, very good. सर एक डाउट था. पूछे. ये accumulator और register दोनों सेम होते हैं क्या? मतलब accumulator एक register ही होता है बेटा, ये कह रहा हूँ मैं. लेकिन सर फिर अपन वहां पे accumulator based CPU और फिर राजस्थान राजस्थान रेफरेंस सीपीयू क्यों पढ़ते हैं दो दो? समझा नहीं, दोबारा बोले आप क्या कह रहे थे? एक्युमुलेटर बेस्ड सीपीयू और सर वो राजस्थान बेस्ड सीपीयू मतलब अपन दो दो बार क्यों पढ़ते हैं जब वो अलग है? वो अलग चीज है. वो अलग चीज है बेटा, समझ रहे हो? नहीं, वो अलग चीज है. और सर जो एक्युमुलेटर का जो रिजल्ट उसको अपन एक्युमुलेटर में ही सेव करते हैं. हाँ, रिजल्ट. हाँ मतलब कि जो भी उसका सॉल्यूशन आया उसका उसको फिर अपन को स्टोर करना पड़ता है. हाँ, जैसे कि आपने क्वेश्चन भी कराया था कि वो जो उसमें कितनी बार उसको अपन को स्टोर कराना पड़ेगा बीच में. यस. और रजिस्टर में क्या करते हैं कि लाइक उसको कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं? नहीं, रजिस्टर में स्टोर करके फिर प्रोसेस करते हैं अपन. ठीक है. सर वो लो पेन और वो वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज है. वो थोड़ा सो पे बता दीजिए. करा दूंगा. कौन पूछ रहा है? आरव सर. बेटा आया नहीं था क्या आज सुबह? नहीं, सुबह तो आया था लेकिन. अच्छा. वो ना ना पूछ रहा हूँ मैं, आया था नहीं आया था बस.
नहीं नहीं सुबह क्यों नहीं आऊंगा सर, मैं एक भी क्लास मिस नहीं करा अभी तक। हाँ मुझे पता है, अभी तो ये तो आपने पहले कराया था लेकिन 2-3 दिन पहले शायद, तो वो रिवाइज करा था, तो कंफ्यूजन हो रहा करा दूंगा करा दूंगा, टेंशन नहीं है। हो गया बेटा, कराऊं? ये किसके ढोल बज गए भाई आज? केतन केतन क्या हो गया बेटा? चेतन केतन पास में नहीं सर, पास में शादी है सर। शादी? अच्छा मैरिज वैरिज है पास में, चलो बढ़िया है। हो गया, ये करें अपन आगे अब? यस सर। क्या आंसर आ रहा है इस वाले का? शांतनु कह रहे हैं एक बार FCFS फिर रिवाइज करा दीजिए, आखिरी मैं अटेंड नहीं कर पाया था। ओके लिसन एवरीवन, वंस अगेन मैं आपको सिखा रहा हूं क्या FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। कौन से बच्चों? FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? अराइवल टाइम। क्राइटेरिया क्या होता है बेटा? अराइवल टाइम। क्लियर है? क्राइटेरिया आपका क्या होगा? अराइवल टाइम। दोज हु केम फर्स्ट आर शेड्यूल फर्स्ट। ओके, और कितने टाइप के टाइम होते हैं ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। इधर आपको बताया है कि पहला अराइवल टाइम होता है, अराइवल टाइम का मतलब होता है व्हेन द प्रोसेस अराइविंग इन द सिस्टम। बस टाइम जो रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन। कंप्लीशन टाइम व्हेन इट इज कंप्लीट। टर्न अराउंड टाइम, टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम, द डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड एंड बस टाइम। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये कराया था, सबसे पहले कौन आया? P1, देन P2 और नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव मींस पूरा कंप्लीट चलेगा। नॉन प्रीएम्प्टिव मींस कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। P1 पूरा कंप्लीट हुआ, P2, देन P3, देन P4, देन P5। ओके, जितना जितना बस टाइम है उतना चला दिया है। 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10, 15 कंप्लीशन टाइम P1 का 4, P2 का 7, P3 का 8, P4 का 10, P5 का 15। तो टर्न अराउंड क्या हो जाएगा? कंप्लीशन माइनस अराइवल। क्लियर? तो सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसमें देखो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी? कोई सी नहीं, 0 से 1 तक तो क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा। क्या रहेगा? 1 तक ब्लैंक रहेगा, क्योंकि 1 बजे तक कोई नहीं आया है। 1 पे P4 आया है, 1 पे P4 आया तो P4 को चलाएंगे कितना? 1 यूनिट। अब 2 पे कौन आया? ओनली P2। 7 तक। समझ में आ गई बात? यस सर। अब कौन चलेगा? P3। कितना? 3 यूनिट। 10 तक। उसके बाद P5, P6, P1, 24 तक। कभी घबराया मत करो, इनको जोड़ लिया करो। 9, 3, 12, 13, 2, 15, 21 और 1 खाली, 22। 24 नहीं, 22 आएगा। कंप्लीशन टाइम P1 का कब? 22, P2 का 7, P3 का 10, P4 का 2, P5 का 12, P6 का 18। टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन माइनस अराइवल 16, 5, 7, 1, 8, 13। वेटिंग टाइम 12, 0, 4, 0, 6, 7। हाउ मच? 16, 22, 29 by 6 आ रहा है। Yes, sir. और ये कितना हुआ? 22, 29, 34, 40, 50 by 6। 50 by 6। क्लियर है सभी बच्चों को? आ रहा है ये? ईच एंड एवरी वन? यस सर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। वेरी गुड।
अगला कीजिए अब। Each and everyone do the next one. बातें नहीं रिप्लाई प्लीज। Very good. Each and everyone reply fast. करें कितना आया देखिए बच्चों। ईच एंड एवरी वन लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल विच वन इज एग्जीक्यूट? नो वन इज एग्जीक्यूट। जीरो से टू तक क्या रहेगा? रिमेन आइडल। टू पे अपने आ रहा है पी फाइव, दो से तीन चला, तीन पे अपने पास दो जने आ रहे हैं। आप किसको चलाओगे? जब भी टाई होता है तो जिसकी प्रोसेस आईडी कम है, ठीक है? हालांकि ये मेंशन होगा क्वेश्चन में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो पहले आप चलाओगे P2 को 3 से 5, फिर P6 को 5 से 6, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रहा है? 7 पे। तो क्या सबने 6 से 7 आइडल बनाया था? यस सर। वेरी गुड, जिन्होंने बनाया था वेरी गुड बच्चों। फिर 7 से 8 यूनिट चला, 15, उसके बाद कौन चलेगा? P1 19, P4 25। प्लीज रेज योर हैंड, कितने बच्चों का ये सही था? गैंट चार्ट ओनली 16 बच्चों का सही था, वन थर्ड। सर P6 को पहले ले लिया था सर P2 से। और छह से सात आइडल चलाया था? यस सर, आइडल चलाया था। वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा, किस बच्चों का गलत था? गलत का मतलब सुन लीजिए ना, P2 और P6 इंटरचेंज वाला नहीं, ये आइडल किस किसने नहीं छोड़ा था वो ईमानदारी से बताएं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आइडल किस किसने, चाहे प्राइवेट लिखो चाहे ग्लोबल लिखो, जैसे आपकी इच्छा, पर माय क्वेश्चन इज आइडल किस किसने नहीं छोड़ा था। P6 को पहले ले लेंगे तो आइडियल करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा भाई, ले कर ले पहले, चलेगा तो एक यूनिट ही ना।
समझ रहे हो? यस सर। डेटा मेरे इसमें से मिसमैच हो रहा, बस टाइम यस। बच्चों बोलिए क्या कह रहे थे? अगर आप P2 और P6 को इंटरचेंज कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? पहले P6 लिख दो, कितना चल लेगा? तीन से चार, और फिर P2 लिख दोगे तो चार से छह। कहाँ फर्क पड़ा? एवरेज में तो फर्क नहीं पड़ेगा, इनके इंडिविजुअल में फर्क पड़ जाएगा बेटा। अरे हाँ या ना? यस सर। वाला का उतार लिया था क्या? ऊपर वाला क्वेश्चन का बस टाइम उतार लिया था वो। गलत बेटा, ऐसी बात नहीं करता, पाप पड़ सकता है। P1 का कंप्लीशन 19, P2 का 5, P3 का 15, P4 का 25, P5 का 3, P6 का 6। टर्न अराउंड कंप्लीशन माइनस अराइवल कितना? 11, 2, 8, 15, 1, 3, वेटिंग 7, 0, 0, 9, 0, 2, कितना आया? 18/6। भाई 18/6 ही आएगा ना, मैं राइट और रॉन्ग? यस सर राइट। नहीं, किसी के 17/6 आ रहा है। 17/6 4, 19, 20, 27, 30, 40, 40/6 सभी प्यारे बच्चों का आ रहा है। प्यारे बच्चों का मतलब खोकार का भी आ रहा होगा, यानी सभी खा रहा है। शानू क्या मिस्टेक हो गई बेटा? मेरे से कैलकुलेशन गलत हुई है सर, ये लास्ट में कहीं। कोशिश मैंने पूरी की ईमानदारी से करने की। सर P4 तो 10 चलेगा ना, 19 के बाद 29 आएगा आखिरी वाला। क्या? 19 के बाद 29 आएगा आखिरी वाला सर, P4 6 चलेगा ना बेटा, अराइवल टाइम है 10। तो प्यारे वो 10 है, वो तो टाइम पहुंचने का टाइम है सर। लेकिन ये जो CT है, जो P6 का CT है, हाँ 6 है ना, क्या दिक्कत है? सही है सर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। कोई डाउट है तो पूछे, पहली बात। है क्या कोई डाउट? उतारना है, उतार लिया है? आगे दूं? यस सर। नेक्स्ट इन दोनों में वेटिंग टाइम बताइए। इन दोनों में वेटिंग टाइम बताइए। प्लीज
वेरी गुड। आ रहा है सभी का? थर्टी नाइन वन बेटा, गलत गलत गलत, 21 नहीं आएगा शानू, एवरेज बेटिंग पूछ रहा हूं मैं। क्लियर है? यस सर। करें आगे, लिसन, पी वन पी टू पी थ्री, तो व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड एंड वेटिंग, 20 22 एंड 24, 20 21 22, 0 19 20, 39 by 3, that is 13. Here 2 4 24, turn around 2 3 22, waiting 0 1 2, 3 by 3, 1. Clear everyone? Yes, each sir. And everyone clear? Yes sir. कोई doubt किसी को? सर आगे बढ़े। यस सर। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वो इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉन्वो इफेक्ट। आपको दिख रहा है कि एक प्रोसेस में, देखिए ध्यान से आंखों से, कि दोनों सेम है बेटा, बट यहाँ 20 पहले आ गया है, यहाँ 20 बाद में, बाकी दो दो है, समझ रहे हो? तो अगर फर्स्ट प्रोसेस कॉन्वो इफेक्ट, लाइक शादी की बारात होती है, हाँ या ना? Yes, sir. शादी में बारात ही होती ना। हाँ, नहीं और चीज भी होती है, दूल्हा दुल्हन, खाना वाना, बैंड बाजा सब होता है ना? तो सुने, शादी में जब रोड पे बारात चलती है तो क्या होता है, वो 40-50 आदमी, अभी कोरोना के टाइम पे तो कमी है ना, 30-25 मान लो, 25 अगले वाले के 50 अगर अलाउ है तो, ठीक है, तो वो बहुत धीरे चलते हैं क्योंकि नाचते हुए चलते हैं, यानी उनको ज्यादा समय लगता है, उनके कारण पीछे बहुत ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। कहने का मतलब है, इन FCFS, इफ फर्स्ट प्रोसेस हैज लार्ज एग्जीक्यूशन टाइम, फर्स्ट प्रोसेस है वो लार्ज बस टाइम, देन इट विल हैव ह्यूज इफेक्ट और इंपैक्ट ऑन एवरेज वेटिंग टाइम, देन समझ रहे हो बेटा? यस सर। इट विल हैव ह्यूज इंपैक्ट ऑन द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द रिमेनिंग प्रोसेस।
दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉन्वो इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉन्वो इफेक्ट माय डियर. क्लियर एवरीवन? यस सर. सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर. आगे बढ़े. आज खूब सारे गेट क्वेश्चन करने वाले हो बेटा. करें आगे. यस सर. यस सर. नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी? सेकेंड वन शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट. क्राइटेरिया क्या है इसमें बेटा? फर्स्ट टाइम. वेरी गुड. एंड मोड कैसा है? ये वाला दोनों होते हैं लेकिन अभी मैं पहले कौन सा सिखा रहा हूँ? नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीमिटिव या नॉन प्रीएम्प्टिव. कीजिए बेटा. मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप करो. ईच एंड एवरी वन डू इट. बताइए बेटा क्या आ रहा आंसर? एक बार बता दीजिए सर. पहले आप करो ना यार एक बार प्लीज. जो छोटी उसको चलाना है पर दिमाग लगा के चलाओ यार. मैं तो कराऊंगा ही बेटा, समझ रहे हो बात? जी सर. सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है प्लीज कीजिए. वेरी गुड वेरी गुड. प्रज्ञा सृष्टि वेरी गुड. अमन तोड़ सक रोंग हो गया. चेतन रोंग. यस
टेल मी, वेरी गुड, काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, बाकी और भी आंसर दें। कराऊं? एक मिनट सेकंड बस, कर रहे हो या मैं कराऊं? यस बच्चों, देखिए बच्चों, कराऊं? देखो बेटा, सबसे पहले कौन चलेगा, विच वन इज द स्मॉलेस्ट, पी थ्री विल द स्मॉलेस्ट, सो वी एग्जीक्यूट पी थ्री। अब क्लियर है? वन यूनिट चलेगा। अरे क्लियर है, बोलो। छोटा तो पी थ्री है ना सर, लेकिन अराइवल टाइम तो थ्री है ना, अराइवल टाइम तो पी वन का है, तो थ्री है करेंगे क्या 3 सेकंड? आज अगर गणेश वाले आ जाते ना तो तीसरा वर्ल्ड युद्ध जूम पे लिख देते जो तुम्हारे कमेंट आए हैं, कमेंट है नहीं जो तुम्हारा। अरे सर वॉइस ऐसे हो गई, किसकी सुनूं किसकी छोड़ूं। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को डांटना चाहता हूं जिन्होंने स्टार्टिंग में यस सर बोला जब मैंने पी थ्री लिखा। आपको क्या पता है कि मैं क्या पी थ्री चलाता, पागल लिखा मेरे पे? मैं तो चाहता था कि कोई क्या खुद पे डाउट होने लगा कि गलत तो नहीं कर दिया। अच्छा तुम्हें खुद पे डाउट होने लग गया? अरे नहीं बेटा, है ना। और ये जो कौन था पता नहीं कि पागल लिखा नहीं लिखा है, कौन था ये? रौनक बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैंने इसलिए ताकि मैं तुम्हारे को समझा सकूं कि सबसे पहले छोटा है P3, लेकिन एक बात बताओ, मैं आपको 4 दिन पहले पढ़ा सकता था क्या OS? नहीं ना। या 4 बजे पहले पढ़ा सकता था क्या? नहीं, क्योंकि 4 बजे का टाइमिंग है, तो 4 बजे पहले ना तो आप ना मैं, समझ रहे हो बात? अरे वो प्रोसेसिंग सिस्टम में 3 बजे आ रही है, तो आप उसको 0 पे कैसे चला दोगे, समझ रहे हो? तो अभी किसको चलाएंगे, जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल है। तो 0 से 1 तो क्या रहेगा, आइडल। अब 1 पे कौन आया, P1, बिकॉज इट इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव, तो कंप्लीट चलाएंगे। 8 बज गए, 8 तक तो सब आ चुकी है, तो अब छोटी कौन सी है, P3। P3 को चलाऊंगा, यस पक्का चलाऊंगा। और अब P2 P4 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 4 सर। जिस बच्ची ने P2 बोला वो भी सही बोला, पता है क्यों? आधा इंडिया इसलिए कंफ्यूज है, बोलता क्या चलाता क्या है। पिछली बार कई तुम अराइवल टाइम चला दिए, कई बार इसको चला दिए, कई बार क्या, समझ रहे हो? P4 चलेगा, वो भी 2 यूनिट। ये 11 से 16, इसके बाद P5 16 से 24। क्लियर सर? कंप्लीशन टाइम P1 का 8, P2 का 16, P3 का 9, P4 का 11, P5 का 24। टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन माइनस अराइवल 7, 14, 6, 7, 19। वेटिंग टाइम कितना, 0, 9, 5, 5, 11। कितना आ गया भाई, 10, 20, 30, 30। ये कितना आ गया, 21। 53 क्या? 53 सर। अच्छा क्या कह रहे हो भाई, Anyone want to say something? Second वाले में 9 लिखा है आपने।
तो पी थ्री ना भाई एक ही तो चलेगा नहीं, तो नहीं। अरे हाँ नाइन आएगा था, मैंने सेवन लिख दिया पता नहीं क्या। वो तेरी गलती बेटा, मेरी गलती नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो पांच है। हैं सर प्रोसेस पांच है सर। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। क्लियर, वेरी गुड, सही कह रहे हो भाई। इससे क्या पता पड़ता है, आप और मैं दोनों इंसान है, गलतियों के पुतले है। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। वेरी गुड भाई, किसे उतारना तो उतार लीजिए वाला, होप सो उतार ही लिया होगा वैसे तो। उतार लिया है या बाकी है? हो गया सर। उतार लिया सर, हो गया सर। उतार लिया है? यस सर। अगला बढ़े? तो मेरा पूरा गलत हो गया, मैंने 3 तक अराइवल टाइम आइडल लग दिया था। वो भी होता है, ऑप्टिमाइज में होता है, पर वो ये नहीं एक क्वेश्चन आया हुआ है उसमें हुआ है, पर उसमें अलग तरीके से भी क्वेश्चन भी अलग पूछा गया था। आज कम से कम 10-15 मार्क्स के गेट क्वेश्चन करने वाले हो आप। कीजिए बेटा, कीजिए इसको। यस बच्चों, कितना आ रहा है? 7 और 4 आ रहा है। यस सर। एक मिनट,
यस सर सभी बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा? सर एक बार FCFS दिखा देना सर, थोड़ा लेट हो गया था तो दिख नहीं पाता था सर। सर एक बार सर ऊपर बस एक फोटो क्लिक कर लो सर, और ऊपर से थोड़ा सा। यस सर हो गया सर। हो गया सर, ओके सर, हो गया सर, ओके सर, सब हो गया सर। ये भी हो गया, हो गया सर। आंसर बताइए फिर क्या आ रहा है? 7 टर्न अराउंड टाइम एवरेज और 6 4 आ रहा है वेटिंग टाइम सर एवरेज। मेरा एवरेज टर्न अराउंड 45/6 क्या आ रहा है? ये तो तू जानता के क्वेश्चन जानता है। करें ईच एंड एवरीवन करें? यस सर कराऊं? देखो बच्चों मुझे भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, सही बात बताऊं तो मैं तो ना तो मेरे को आंसर पता है हकीकत, रैंडमली भी दे देता हूं कई बार जो है उसमें भी चेंज करता रहता हूं डेटा। देखो सबसे पहले 0 से 1 तो क्या रहेगा? आइडल रहेगा। 1 पे कौन आ रहा है भाई? P4 आ रहा है, बस पूरा चला देंगे 6 तक अपने पास सारे आ गए। अब छोटा कौन? P1 और P6, तो जब भी टाई होगा तो जो पहले आया वो चलेगा, तो कौन चलेगा पहले? P6 6 से 7, फिर P1 7 से 8, फिर P5 8 से 10, फिर P2 10 से 13, और फिर P3 13 से 19। कभी अपने आप पे शक हो तो इनको जोड़ लिया करो, 4, 10, 15, 17, 18 तो ये हो गए और एक आइडल हो गया। सही चल रहे हो आप, यानी किसी कई बार क्या होता है अड़बड़ी में अराइवल टाइम चला देता बच्चा। कंप्लीशन टाइम P1 का 8, P2 का 13, P3 का 19, P4 का 6, P5 का 10, P6 का 7। टर्न अराउंड कंप्लीशन माइनस अराइवल, वेटिंग टाइम 1, 7, 9, 0, 6, 1। क्लियर है? चौबीस बट्टा 6 आ रहा है, ये 4 आ गया बेटा, और ये 10, 30, 40 42/6 ये आ गया 7। कहां कष्ट है और किसको कष्ट है जल्दी से बता दे, उसका निवारण तुरंत किया जाएगा। सर सर इसमें भी सर मतलब अराइवल टाइम के हिसाब से भाई एक बार बता, रजनीकांत सबसे फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है, रजनीकांत अभी तक आया ही नहीं है, सुनो तो सही, रजनीकांत अभी तक आया ही नहीं है तो क्या मैं उसको चला सकता हूँ क्या? नहीं सर। और जब भी टाई होगा, और जब भी टाई होगा तो FCFS लगेगा। लाइक P1 और P6 का अराइवल टाइम बस टाइम सेम है तो किसको चलाएंगे जो पहले आया? सर लेकिन यहाँ पे तो आ जाएगा ना 6 तक, तो P1 P6 दोनों आ जाएगा। तो पहले कौन आया? पहले कौन आया? आ तो दोनों गए। यहाँ पे अराइवल टाइम थोड़ी ना देखते हैं। अरे बेटा टाई होने पे हमेशा अराइवल टाइम देखा जाता है। सुनो एक चीज, ओथ ले लो, मैं आजकल ओथ दुलाता हूँ बच्चों को, कैंडिडेट की मैं भी दुला रहा हूँ। ओथ क्या, गार्ड बांध लो क्या, जब भी टाई होगा तो अराइवल टाइम देखा जाएगा। अब बोलोगे सर अगर FCFS में टाई हुआ तो फिर क्या देखोगे? अगर अराइवल FCFS में अराइवल टाइम सेम हुआ तो जिसकी प्रोसेस आईडी लो है, और ऐसा टेंशन मत लो, गेट वाला देता है ये चीज। ओके प्यारे, आगे बढ़े। यस सर। गुड़िया जिसने भी पूछा उसको क्लियर है? यस सर। देख भाई जबरदस्ती में हाँ मत करना, क्लियर हो तो ही हाँ करना, नहीं तो क्वेश्चन
खूब पूछ सकते हो आप, वेलकम है सर। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग वो आईडी देखते हैं, प्रोसेस आईडी देखते हैं हम लोग, वो एफसीएफएस, वो एफसीएफएस में देखते मेरी बहन, वो एफसीएफएस में देखते बेटा। यस ठीक है, क्लियर है, उतारिए जल्दी से, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए। कीजिए बच्चों, बताइए बेटा। कितना रन सर? देखिए कराऊं, ईच एंड एवरी वन करे लिसन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एग्जीक्यूट पी वन 0 to 4, और 4 तक अपने पास यहां तक आ गए तो अब कौन चलेगा? पी फोर 4 to 5, देन पी सिक्स 5 to 6, देन पी टू 6 to 8, देन P3 8 to 11 and P5 11 to 16। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यहां तक सबको समझ में आ गया है? यस सर। ये गैंट चार्ट सबका सही है? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करिए, बाकी सब निकल ही जाएगा इससे, एवरेज टीटी और बीटी। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? यस सर। यस सर। एक चीज और बताऊं? यस सर। रौनक पूछो करो क्या? क्या सर जी? हाँ, गेट के क्वेश्चन मजाक लगेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा हार्ड होंगे, देख लेना, आज ही प्रूफ करूंगा। करो जल्दी से आंसर दो। सर पुराने वाले में एक सेकंड वाला P2 का वेटिंग टाइम माइनस में आ रहा था। कौन से में आ गया भाई? इसी वाले में सर। कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता।
P2 कब खत्म हो रहा है? नहीं सर, सॉरी, मेरी मिस्टेक सर. आ गया सर, आ गया, आ गया सर, आ गया. Reply please. Sir, 1 minute. किसी ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है? नो सर. नो सर. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टेस्ट सीरीज में कुछ एक उटपटांग क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें शेड्यूल लेंथ निकालना. क्या शेड्यूल लेंथ निकालना? इसका गैंट चार्ट क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 6, 4, 9, 16, 5, 11. देखो सबसे पहले 2 तक तो रहेगा आइडल. Yes, sir. देखो आज एक और नई चीज सिखाता हूँ, बहुत कम जगह पढ़ने को मिलेगी तुम्हारे को अगर ऐसी बात है तो. 2 से 4, उसके बाद 4 बजे तक कौन आ गया? सब आ गए क्या? नहीं आए. ये आ गया P5. 4 से 5, P1. 5 पे P1 भी आ गया. 5 से 6, ठीक है. P3. 6 से 9, P6 9 से 12 और P4 12 से 16. ये सबका आंसर आ रहा है? यस सर. यस सर.
सर यही बोला था मैंने, यही बोला था. वेरी गुड, आगे बढ़े. यस सर, सबका सही आ रहा है सर. यस सर. कोई शक? नो सर. अब दूसरे तरीके से सीपी शूटिंग एल्गोरिथम सिखाऊं, गुस्सा तो नहीं होगे? नहीं सर. का देखो शेड्यूल लेंथ क्या होती है, कोई बताएगा इसमें शेड्यूल लेंथ कितनी है? 16. तो नहीं, रॉन्ग. 14. यस, लेकिन मारा तो 14 वाले ने भी तुक्का ही है सर. 16 माइनस 2 टाइम वो कर देता सर, माइनस कर दे. आता है आपको निकालना या सिखाना है? नहीं, तुक्का मारा था सर. चलो कोई बात नहीं, ये तो बाकी निकाल लोगे ना सब चीजें. यस सर. हैं यस सर. आप देखो यस सर, स्टॉलिंग्स में ऐसे सिंबल्स की फॉर्म में दे रखा है, हालांकि आपको पता होने चाहिए. कुछ एक नोटेशंस की हेल्प से यूज कर रहा हूं मैं. एन प्रोसेस है मेरे पास, P1 P2 PN, ठीक है. अराइवल टाइम हर प्रोसेस का PI यानी ईच प्रोसेस, वो है क्या? AI. जैसे P1 का A1 अराइवल टाइम, P2 का A2, जो भी है 0, 2, 3, 4, 5 से. और बस टाइम इस प्रोसेस का वो मान लिया XI. क्या मान लिया? XI. और कंप्लीशन टाइम इस प्रोसेस का वो मान लिया CI. क्या मान लिया है? CI. तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है बेटा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. अराइवल टाइम यानी आप इसको क्या बोल सकते हो? CI माइनस XI. AI. हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. और वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. तो यानी इसमें से आप XI घटा दोगे. ये तो क्लियर है? Yes sir. क्या? CI माइनस AI माइनस XI. क्लियर हो गया? यस सर. और एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? पहले एवरेज टर्न अराउंड निकालना सिखाता हूँ. एवरेज टर्न अराउंड कितना हो जाएगा भाइयों और बहनों? 1/N CI माइनस AI का समेशन. अरे हाँ या ना? यस सर. I1 से लेके N प्रोसेस 1/N. मेरी बात में झूठ लगे तो बोलना. CI माइनस AI माइनस XI, बच्चा घबरा जाता, बोला ये क्या है, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया. अरे कुछ नहीं किया यार, इन सबको एडिशन करा, डिवाइडेड बाय 6 कर रहा हूं ना, इन सब का सम कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 6. 6 एनी नंबर ऑफ प्रोसेस. क्लियर है यहां तक? यस सर. उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. वेरी गुड. हाँ सो मत बेटा. शेड्यूल लेंथ L होता है, वो क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ कंप्लीशन टाइम मैक्स ऑफ CI माइनस मिन ऑफ AI. समझ में आ रही है बेटा बात? मैंने क्यों पूछा? टेस्ट सीरीज वालों के नालायकों के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये. गेट में कभी नहीं आया भाई, फिर सुन लेना डिस्क्लेमर. पर तुम अगर टेस्ट सीरीज लगाओ तो यूं बोलने लग जाओ, हाय विजय सर ने तो कुछ भी नहीं कराया मार को. ऐसा ना बोलो तुम, मुझे पता है वैसे तुम नहीं बोलने वाले, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा. क्लियर है यहाँ तक? मैक्स ऑफ CI माइनस AI. और थ्रोपुट क्या होता है? N/L. N क्या है? नंबर ऑफ प्रोसेस. L क्या है? शेड्यूल लेंथ. उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा. यस या नो? सर. तो ऊपर वाले में शेड्यूल लेंथ कितनी हो गई प्यारे? 14. शेड्यूल लेंथ इक्वल टू मैक्स ऑफ CI. मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम क्या है? 16. और मिनिमम अराइवल टाइम सबसे पहले कौन सी आई है? 2 पे आया है. 14. समझ में आ गई बात? यस सर.
ये भी एक कॉन्सेप्ट है, उतार लीजिए क्या बीच में सीपीयू खाली रहेगा तो वो काउंट होगा, वो काउंट होगा, हाँ स्टार्टिंग का बस काउंट नहीं होगा, बस मिनिमम ऑफ अराइवल टाइम। समझ में आया चेतन क्या हो गया? बाय कहीं जा रहा है बेटा? नो सर। फिर बाय क्यों लिख रहा बेटा? टाइप हो गया था भाई। भाई अकेला कैसे टाइप हो सकता है भाई? प्राइवेट में सेंड कर रहा था सर, वो गलती से हो गया था। किसको तो किसको कर रहा था भाई तू प्राइवेट में भी सेंड? आरव को सर। आरव क्यों आरव जा रहा है या तू जा रहा है? मैं कहीं नहीं जा रहा था। क्लियर एवरीवन? ये उतार लिया है सबने? ये कॉन्सेप्ट पहले पता था? नहीं सर। तुमने पढ़ा था ना सीपी शेड्यूलिंग तो पढ़ी थी, तुम ही तो बोल रहे थे कोरोना में वही पढ़ी हमने सर। बस बस सर शर्म आने लगी। नहीं नहीं अब आएगी शर्म तो रुक जा, बाकी अभी थोड़ा ऊपर तो था ना नोटिफिकेशन का क्या था ऊपर। अच्छा शर्म तो अब आएगी जब एसआरटीएफ करेगा। और आप एक चीज देख रहे हो, पूछो क्या कि भाई इसमें स्टार्टिंग से उल्टे सीधे अराइवल टाइम मिले हैं आपको, और आपको बीटेक में अराइवल टाइम मिलते हैं ओनली एसआरटीएफ में। यहाँ देखो पहले P1 6 पे आ रहा है। कॉलेज में भी ऐसे किए थे या नहीं किए थे ईमानदारी से बताना यार। सर किए थे कुछ क्वेश्चन। नहीं अराइवल टाइम उल्टे सीधे वाले लाइक P1 का 6 है, P2 का 5 है, ऐसे। फिर तो बढ़िया है, फिर तो बढ़िया है। पर वो फ्लोर बैठ ही नहीं पाया होगा, कोरोना खा गया सेमेस्टर है। यस सर ये हो गया। मेरे को किसने बोला था बेटा? मेरा नहीं हुआ ना। हो गया सर। सर जब गेट में कभी नहीं आया तो टेस्ट सीरीज वाले ये क्यों कराते हैं सर? परेशान करने के लिए, ताकि आप डर के रहें और हवा में ना उड़ें। थोड़ा सा नीचे बस। इवन मेडी जी की टेस्ट सीरीज में तो ऐसे उठपटांग जरूर आते हैं, यानी उनका भी कहना सही है, अगर इजी इजी लॉलीपॉप दे दिए तो बेटा तुम अपने आप को चौधरी समझोगे, चौधरी का मतलब नेता समझोगे कि यार हमारा सारा हो जा रहा है। माशे धर्मपाल जी 98 साल के थे हैं। यस सर। आज सुबह बात हुई थी अपने, सुबह बताया था तुम्हारे को? हाँ सुबह वाले क्लास में बताया था सर। हाँ सुबह ही पता। आप तो सर न्यूज़ से तेज निकले आप। हाँ आप तो न्यूज़ से तेज निकले सर। मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले जूम पे। वो आज तक वाले नहीं बोलते, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको। सब बोल रहे थे कोरोना में सब मर जाएंगे, वो बच जाएगा। हाँ, और वही से लड़ गया यार भाई। पर उससे बड़ा मेहनती आदमी कोई नहीं था। अब तो चाहे वो बंदा जगुआर में घूमता हो, घूमता था। कीजिए
बताइए आंसर। Yes, SJF. Please tell me till now everything is crystal clear or not, first of all, apart from this question. Till here, everything is crystal clear or not? Clear, sir. Crystal. Write down in chat box. समझ में आ रहा है ना बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ सॉल्व इट प्लीज दिस वन ऑल्सो। व्हाट द आंसर यू आर गेटिंग? 12। देखिए कराऊं मैं? यस सर। सुनिएगा हर बच्चा, पेन कॉपी रख दीजिए। सबसे पहले कौन सा चलेगा? P1। कितना पूरा? P4, P2 एंड P3। कितना? 23। क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस यस सर। टर्न अराउंड टाइम P1 का कंप्लीशन टाइम पहले T1 का 8, P2 का 14, P3 का 23, P4 का 9। टर्न अराउंड टाइम 8, 13, 21, 5। वेटिंग टाइम 0, 8, 12, 4, 24/4। क्लियर है? यस सर। 21, 24, 32, 42, 47, 47/4 ये आ रहा है? Yes, sir. Very good. अगला मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अगला मैं सिखा रहा हूँ SJF preemptive. Shortage of first preemptive. या इसे SRTF भी बोलते हैं, SRPT भी बोला जाता है, SJRF भी बोला जाता है। ये छोटू मोटू पिंकू के पूरे नाम सुन लीजिए आप क्या होते हैं। Shortest जॉब फर्स्ट, रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग प्रोसेसिंग फर्स्ट, है ना? या इसका मैं लिख देता हूं शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो प्लीज सॉल्व करें इसी वाले क्वेश्चन को। रुको रुको रुको, इसका क्राइटेरिया क्या है? वही बस टाइम, मोड कैसा है, प्रीएम्प्टिव। यही था ना 8591 0124। कीजिए बच्चों, हर बच्चा कीजिए प्लीज। ईच एंड एवरी वन प्लीज सॉलिड बेटा, सॉलिड। और इस आदि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एक तरफ और SRTF एक तरफ, इतनी इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें भर भर के फील आने वाला है। यस, टेल मी द आंसर।
बताइए आंसर। क्या रहा आंसर? यस बताइए बच्चों कैसे किया इसको, कराऊं? यस सर। देखो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं क्या है, कि इसको करने का कोई तरीका नहीं है, सबसे बढ़िया तरीका यही है, सुनिएगा उस बात को फॉलो भी करना। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है एक बॉक्स बनाए जिसे अपन बोलते हैं रेडी क्यू। क्या बोलते हैं? रेडी क्यू। मुझे पता है कई बच्चों का ईगो हट होगा या एटीट्यूड हट होगा या जो भी हट होगा, होने दो, लेकिन आप प्लीज बॉक्स बनाए, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। ठीक है, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गेट में फोकट के 2 मार्क्स सही है और हर साल आए। ठीक है, अभी आप करोगे भी, आज वही करोगे, तो सबसे पहले जो जितनी चल जाए उतनी चला दो, बाकी जो बची हुई है वो इसमें लिख दो बस। सबसे पहले कौन चलेगा? और इसको करने से पहले एक कहानी भी सुनो मेरे से, मैं ये कहानी हर जगह सुनाता हूँ, कहानी नहीं है। मान लीजिए 4 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, एक की परसेंटेज 50 या 60, एक की 70, एक की 80, एक की 90 है। 50 60 70 80 या 60 70 80 90, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 90% वाला बहुत जल्दी आंसर देगा। क्या बेटा? अरे बोलो साथ दो, जल्दी आंसर। 90% वाला जल्दी देगा, लेकिन अभी क्लास में 50 पर 60 वाला आया हुआ है, तो मेरी मजबूरी क्या है भाई, मैं उससे ही पूछूंगा। किससे? 50-60 वाले से। और कब तक पूछूंगा? जब तक 90 वाला नहीं आ जाए। ना 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 ना, ना। जब तक उससे कोई जल्दी बताने वाला नहीं आ जाए। अब आया 80 वाला। कौन आया? 80 वाला। एक कहानी इसमें सुनाऊंगा, एक राउंड रॉबिन में। अपना नाम गलत लिख दोगे स्पेलिंग, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर, पर अगर ये कहानी अगर समझ में आ गई तो। फिर आया 80 वाला। कौन आया? 80 वाला। तो किससे पूछेंगे? 80 वाले से। कब तक पूछेंगे? जब तक 90 वाला नहीं आ जाए। यूं नहीं बोलेंगे, पाप लग सकता है। उससे ज्यादा वाला नहीं आ जाए। जो भी नहीं बोलेंगे, पाप लग सकता है। जब तक कि नेक्स्ट नहीं आ जाए। जब तक कि नेक्स्ट नहीं आ जाए। अब नेक्स्ट आएगा जब देखेंगे कि वो 50 वाला है या 90 वाला है, या टॉपर है या डफर है या मुझसे भी डाउन वाला है। समझ रहे हो? जब तक कि नेक्स्ट नहीं आ जाए। अब नेक्स्ट आया 70 वाला, और अभी कौन चल रहा था पहले? 80 वाला। तो किसको चलाएंगे अभी? 80 वाले को। 80 वाला। 80 वाली। 80 वाला ही बढ़िया है भाई, उससे तो। और कब तक चलाएंगे? जब तक नेक्स्ट वाला और नहीं आ जाए। वेरी गुड, नाउ यू आर इंटेलिजेंट बॉय। ओके लिसन, सबसे पहले कौन चलेगा? P1, जो अवेलेबल है उससे पूछेंगे। कब तक?
जब तक कि नेक्स्ट नहीं आ जाए, ये ध्यान रखना प्यारे। एक चला दिया, कितना बचा P1? 7। जो नेक्स्ट आ रहा है उसको कितना लग रहा है? 5। दोनों में से छोटा कौन? P2। कब तक चलाऊंगा? 1 तक। नहीं, पाप लगेगा। 2 तक। 1 से 2 तक। हाँ तो 1 मत बोलो, 1 से 2 बोलो। हाँ, भावना को समझो मेरी, ठीक है। नेक्स्ट आया P3। अब वो तो बाद में देखूंगा कि छोटा कौन है, इसलिए डब्बा बना रहा हूँ। छोटा कौन? P2। कब तक? 2 से 4 तक। 2 से 4 तक, इंटेलिजेंट बॉय। 2 बचा, P4 आ गया, उसको लग रहा 1। सारे जने आ गए, गेट के कुंडी लगा दो, अब लॉक कर दो। कौन छोटा? P4। 4 से 5, फिनिश करते जाओ, अब तो सब आ गए ना। फिर P2। फिर P1। फिर P3। अब आपका एक क्वेश्चन कि सर मान लीजिए P4 का भी 2 होता और इसका भी 2 होता, बचा हुआ ये 2 है ना, और P4 को 1 की जगह 2 लगता तो किसको चलाते? P2 को चलाते। टाई होने पे FCFS। FCFS का मतलब जो पहले सिस्टम में है या जो पहले आया। P2 को क्यों चलाता? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम हो जाएगी। क्या? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यस सर। अब देखो कंप्लीशन टाइम, P1 कब कंप्लीट हो रहा है प्यारे? 14। चाहे कितनी बार भी आ रहा हूं, डन नन ऑफ माय बिजनेस, लास्ट में कब कंप्लीट हो रहा है? P2 7, आवाज नहीं आ रही। P3 23, P4 5। टर्न अराउंड, कंप्लीशन माइनस अराइवल, 14 6 21 1। वेटिंग बोलो 6 1 12 0, तो कितना आ गया? 13 और 19/4, क्या आ गया? एवरेज वेटिंग। और एवरेज टर्न अराउंड 20 40 42, 42 समझ में आ गया? क्या हो गया सर? एक और बताना सर, रेडी क्यू 24 कैसे चलेगा भाई? 8 और 5 13 और 1 14 और 9 23 होते भाई। रौनक रेडी क्यू वाला सर, वही समझा रहा हूँ ना भाई, तूने बोल दिया तो दोबारा इरेज कर दिया, और किससे बड़ा समझा क्यूंगा क्या बता। थैंक यू सर। जेल लो, सबसे पहले कुछ ही नहीं करें, एक डब्बा बनाए। देखो इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, 10th पास, बस इतना से ध्यान रखो। और एक कॉमन सेंस ध्यान रखो, जो है उसको चलाएंगे कब तक? जब तक कि नेक्स्ट नहीं आ जाता। उसका बाद में पोस्टमार्टम करेंगे कि छोटा है या बड़ा है। पहले जो अवेलेबल है, कौन अवेलेबल है? P1, 0 से 1। कितना बच गया 8 में से 1 चले बाद? 7। नेक्स्ट आ रहा है 1 पे P2 5। दोनों में छोटा कौन प्यारे? अरे बोलो ना यार, P2। मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए उधर देख रहा हूँ। हाँ, कब तक चलाएंगे? जब तक कि नेक्स्ट नहीं आ जाता। एक चला, नेक्स्ट आया P3, उसको लग रहा है 9। तीनों में छोटा कौन? 7 4 9 में P2। कब तक चलाऊंगा? जब तक कि नेक्स्ट नहीं आ जाता। 2 यूनिट और चला दी। अब आ गया P4। अगर यहाँ भी दो होता तो P2 को ही चलाता, क्योंकि FCFS टाई होने पे FCFS जो पहले चल रहा है। अब देखो छोटा कौन? P4। अब सारे आ गए ना, अब कंप्लीट चला देंगे 4, फिनिश। अब P2 फिनिश। अब P1 फिनिश। अब P3 समझ में आया? P1 कब कंप्लीट हो रहा है? गेंट चार्ट में चश्मा लेके ढूंढे कि P1 सबसे लास्ट में कब जा रहा है, 14 पे, ओके। P2 7 पे, P3 23 पे, P4 5 पे। आ गई बात समझ में? यस सर। उतार लो, समझ में आ गया प्यारे? यस सर। सभी बच्चों को? यस सर। यस, वेरी गुड। वेरी गुड, दो बार बोलते एक गाना याद आ गया, कौन सा बताओ? सेंस ऑफ ह्यूमर लगाओ, बहुत पुरानी मूवी है। किस हीरो की है? हाँ? कौन है उसमें? अनिल कपूर है शायद हीरो, मेरे को याद नहीं। अरे वो नहीं, दुनिया रे दुनिया। वेरी गुड। नहीं सुना सर। अबे नालायक रानी है सर।
जैकी श्रॉफ भी उसमें शायद सर। हाँ ऊपर वाला वेरी गुड नीचे वाला वेरी गुड आगे आगे सर वो भी आया था वो नीचे वाला तेरे को देख के बोला था बेटा उसने ध्यान रखना। उतार लिया सर अगला दे दूं। यस सर वेरी गुड करें नेक्स्ट। यस सर इसकी तैयारी बड़ी जोरदार जबरदस्त होनी चाहिए बेटा ध्यान रखना। अब उल्टे सीधे दूंगा पहला तो इजी दे देता हूं क्योंकि गेट के क्वेश्चन इसी में से हैं। प्यारे Yes, tell me the answer, beta. What is the answer? कर रहे हो? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। Yes sir. Average waiting और average turnaround बताओ बेटा। अभिषेक, ये वो मना के मत भेजिए। Average waiting और turnaround बताइए।
नहीं बेटा, यस 43/6 एंड 24/6 इज द राइट आंसर. यस सर. ईच एंड एवरीवन यू आर गेटिंग. यस सर. यही आया. सर कितना आया चार राउंड एवरेज? 43/6. आ गया सर. डन सर. डन सर. सर एक बार वापस बता दीजिए आंसर. 43/6 एंड 24/6. हाँ जी सर. आ रहा है सभी का? यस सर. कराना है? यस सर. अगला दूं फिर? यस सर. यस सर. नेक्स्ट. कीजिए. कीजिए. बताइए बेटा आंसर. कितना आ रहा है सर? एक मिनट. ओके.
बताइए आंसर। 46/5/5 सर 65/5 यानी कि सर 46/5 45/5 45/5 45/5 45/5 45/5 आ रहा सबका? यस सर यस सर कराना है सर आंसर एक बार और बोल दीजिए क्या 45/5 है और से 24/5 है यस सर डोंट वरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए बॉक्स 0 टू आइडल 2 पे कौन आया P1 कब तक चलाएंगे जब तक कि नेक्स्ट नहीं आ जाता 2 2 3 P1 क्या है 8 में से एक चला 7 3 पे आ रहा है P4 को टाइम लग रहा है 6 विच वन इज मिनिमम P4 कब तक चलाएंगे 3 से 5 2 चल गया तो कितना बचा 4 बचा फिर आ रहा P5 4 टाई होने पे P4 ही चलेगा 5 से 6 6 पे आया P3 जिसको लग रहा 2 छोटा कौन P3 को चला दिया 6 से 7 1 बचा 7 पे आ गया P2 1 तो अब पहले चलेगा P3 8 तक फिनिश देन P2 8 से 9 देन P4 9 से 12 देन P5 12 से 16 देन P1 23 क्लियर है यस सर ये बन रहा है सभी का सर यस सर क्लियर है सभी बच्चों को सर 5 पर P5 आ रहा था ना सर भाई ये गेम चार्ट बन रहा है क्या नहीं सर तभी तो कहां गलती हो रही देख सर ये 5 के 5 पर 5 पर ही बेटा 5 अगेन आपने P4 लिखा है ना अगर आपने P4 लिखा आया समझ में मिस्टेक आपकी बेटा है बाबू बेटा क्लियर है अरे हाँ या ना नो सर भाई क्या क्लियर डाउट है बेटा बताए क्या डाउट है जब पूछ रहा हूँ बताइए ना डाउट सर P2 7 to 8 में आना चाहिए ना क्या कह रहे हो सर प्रोसेस P2 7 to 8 में आना चाहिए ना सर आपने 8 to 9 में लिखा है P2 बेटा टाई होने पे जो पहले चल रहा उसको चलाएंगे टाई हुआ ना P3 और P2 में तो P3 जो चल रहा था उसी को चलाएंगे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ना हो ओके सर क्लियर है यस सर एक और दे दूं प्रोसेस नंबर अराइवल टाइम बस टाइम फाइव सेवन फोर टू सिक्स थ्री 122 614 प्लीज डू इट यस बेटा टाई होने पे हमेशा FCFS प्लीज सॉल्व इट
क्लियर है एवरीवन? यस सर। आगे बढ़े इसका बताऊं मैं? जीरो से टू तक तो क्या रहेगा? आइडियल आइडियल रहेगा। टू के बाद पी फोर आएगा। कब तक? टू से थ्री, जब तक कि नेक्स्ट नहीं चल जाता। टू से थ्री, P4 कितना बचा? 5, 3 पे आया P6 जिसको लगता है 4, तो P6 चलेगा 3 से 4, कितना बचा? 3, और P3 आ गया जिसको लगता है 2, समझ में आया? Yes sir. Clear? Sir. इसके बाद छोटा कौन? P3, 4 to 5, एक चला, 5 पे P1 आ गया जिसको एक लगता है, तो P3 5 to 6 भी चल जाएगा, उसके बाद P1 चल जाएगा 6 to 7, 7 पे आ जाएगा P2, P2 है ना, अब कौन चलेगा? P2 7 से 9, then P6 9 से 12, P4 12 से 17, सभी को क्लियर? कहीं ना कहीं गलती, छह के बाद सेवन पे पी फाइव आएगा, सेवन पे पी फाइव आ जाएगा, एक एक करके, एक एक करके। हाँ, आठ से दस, दस से तेरह, तेरह से अठारह, लो इजी। यस सर। काहे लोड लेते हो? यस सर। 35/6 एंड 22/6 आ गया सभी बच्चों को? यस सर। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ तुम तो? यस सर, आ रहा है सर। सभी बच्चों को, किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। एनी स्टूडेंट, एनी डाउट प्लीज आस्क। क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। सभी बच्चे लिख दीजिए। सॉल्व सॉल्व दिस वन बेटा, ईच एंड एवरी वन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर वन, गेट 2004 टू मार्क्स, प्लीज सॉल्व इट एंड डू फास्ट। यस इशिता, डोंट वरी। बताइए आंसर पहले का।
बताइए क्या आंसर आ रहा है. यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर वन डन. यस सर. कर पा रहे हो हर बच्चा या कराना इस क्वेश्चन को बेटा? टेल मी प्लीज डन और नॉट डन. सर डन डन. डू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इट इज आस्क इन इसरो ऑल्सो इसरो 2015. प्लीज सॉलिड सॉलिड बेटा सॉलिड. सर इसे प्रिंटिव लेना है या फिर नॉन प्रिंटिव? किसमें? एसआरटीएफ लिखा हुआ ना वो तो बाय डिफॉल्ट ही प्रिंटिव होता है बेटा. अगर नॉन प्रिंटिव होता तो लिख देते एसजेएफ नॉन प्रिंटिव. ओके सर. ओके क्या आंसर? देखो इसके सारे आंसर आ रहे हैं, चारों ऑप्शन. तीन तो मेरे आ ही रहे थे अगर आपने गलत देख लिए तो, और चौथा भी एक जने का आ ही गया था. Done everyone. Ritika wrong beta. Ritika wrong. Yes sir. Anant wrong. Anant wrong. Wrong bachcho. Yes. सेम थिंग आई वॉन्ट टू से कि इस क्वेश्चन में जिसने भी जल्दी की उसका आंसर गलत आएगा.
देखिए आंसर आएगा इसका 15. हाउ मच 15, बट इसका गैंट चार्ट एक बार मैं बनाऊंगा यार, मैं चाहता हूं मैं बनाऊं, इसलिए नहीं कि मेरे को इच्छा है, बस आप गलती करोगे इसलिए बना रहा हूं मैं. देखो बच्चों अच्छा बना है सर, इसमें P1 पूरा चलेगा. वेट अरे थांबा, सबसे पहले कौन चलेगा P1 0 से 15. P1 कितना बच गया 5 और P2 आ गया 25. Which one is remaining? P1 को पूरा चलाएंगे कब तक? 30 तक, पर 20 पे ये खत्म हो गया. अगर क्या, अगर प्रोसेस में कोई, सिस्टम में कोई प्रोसेस नहीं होती, सिस्टम में कोई प्रोसेस नहीं होती तो आइडल छोड़ देता, लेकिन प्रोसेस है तो मैं किसको चलाऊंगा? P2 को. कितना? 20 से 30, 10 चला दिया, 15 बचा. 30 पे आ गया P3, जिसको लग रहा 10. Which one is remaining? Minimum? P3. कब तक चला दूंगा? पूरा चला दूंगा 45 तक, लेकिन 40 पे खत्म. फिर आएगा बचा कौन है? P2. P2 को चला दूंगा मैं दोबारा 10. फिर आ गया P4, that is 15. तो मैं P2 को ही चलाऊंगा दोबारा 55, एंड देन P4 कितना? 15, 70. अब सुने मेरी बात, कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है? P1 20, P2 का 55, P3 का 40, P4 का 70. टर्न अराउंड टाइम 20, 40, 10, 25. वेटिंग टाइम, आपने एक दुआ सुना है राम का, रहीम का, कबीर का, आई डोंट नो किसका था. यस सर. कौन सा बताओ? बताया नहीं, कैसे सुना है सर? अरे यार लिंक करा करो यार, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाओ तुम्हारा. ताहे देखी सूरत वैसी, ताहे देखी मूरत वैसी, अरे जैसी भावना वैसी भगवान. समझ रहे हो बात? कहने का मतलब है, अगर देखो गेट वाले ने आप चारों को निराश नहीं किया है, 55 भी अवेलेबल है, जैसे कि कुछ बच्चों ने दिया है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, और एक बच्चे ने 40 भी दिया है, नाम नहीं बोलूंगा, वो भी अवेलेबल है, और एग्जैक्ट आंसर भी अवेलेबल है, और कई स्टेट में, अब तो स्टेट में आने लग गए, कई स्टेट में मेरा 5 भी आया, और उनमें से आप भी एक आधा है जिसका आंसर ए आया था, आ चुका है ए, मैं नाम नहीं बोलूंगा उसका भी, प्राइवेटली आया है, हालांकि नाम वो बच्ची समझ जाएगी, इट्स ए बेबी गर्ल. ठीक है, तो भाई जल्दी में नहीं, इस क्वेश्चन के माध्यम से कवि और सर ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई किसी को निराश नहीं किया गेट वाले ने, तीनों ऐसे आंसर नहीं डालता कि कुछ भी डाल देगा. आपने हल्की सी गलती की ज्यादा जल्दी में हो येल्लो, आपने टर्न अराउंड देखा तो येल्लो, वेटिंग देखा येल्लो, यानी आपको निराश नहीं किया है भाई, कहने का मतलब ये है. समझ रहे हो? यस सर. क्लियर है? यस सर. ये सॉल्यूशन नहीं दे रखे, अगला करें जल्दी से. सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? यस सर. मैंने कुछ भेजा था, मिला आपको? अभी नहीं, अब आ गया. समझ गए क्या करना है? यस सर. क्या करना है आज? ईमानदारी से बताना क्वेश्चन. हाँ ईमानदारी से बताना, आज पढ़े थे आप 10 से 4 के बीच में? यस सर पढ़े. यस सर. वेरी गुड. क्लियर? जल्दी आंसर दें.
बताइए बच्चों। वन सेकेंड मस्त वाला फाइव सर इन बताइए Done. Five is the right answer, beta. Five is the right answer. Are you getting this answer? Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये है चौथा, पांच, छह, सात, सात क्वेश्चन है भाई टोटल। आपने करके लाने ठीक है, मेरी फिक्स 6 बजे दूसरी क्लास भी है ना। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, ये करके लाना सारे, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शानू, थैंक यू सर अभिषेक, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मजा बेटा अभी नहीं आया नीरज, मजा आएगा राउंड रॉबिन में, मजा आएगा राउंड रॉबिन में, मजाक नहीं सही कह रहा हूँ बात, मजा आएगा एलआरटीएफ में, मजा आएगा एचआरआरएन में, बट थैंक यू अभी तो। यस सर।